हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग आप लोगों को सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करेंगे डियर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या कहता है। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा डायामीटर गिवन है, एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो आपके पास क्या है डियर, आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक बकेट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है और उसमें पूरी भरी पड़ी है भाई आइसक्रीम, ठीक है ना। तो ये फुल ऑफ आइसक्रीम है और उसकी आपको डायामीटर दे रखी थी, तो उसकी रेडियस ले लेते हैं आपके पास। रेडियस हमारे पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जरूर देख लीजिए कि सारे एक ही यूनिट में हैं या नहीं, ये जरूर कंफर्म कर लीजिए। अब आप इस आइसक्रीम से कोन फिल कर रहे हैं और कोन की शेप हमें पता ही होती है क्या होती है। इसने कहा है कोन है और उसके ऊपर आप हेमिस्फेरिकल टॉप क्रिएट कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कोन्स जो है आप इस बकेट से फिल कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोन्स आपको बताने हैं, ठीक है। और आपको इसके साथ साथ कोन का जो है डायामीटर बताया गया है, तो कोन में रेडियस इस्तेमाल होती है बेसिकली। तो जो कोन की रेडियस हो गई, चलो इसको कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लेते हैं, और इसकी जो स्मॉल रेडियस है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, राइट। और उसने आपको बोला था कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, तो जो कोन की हाइट है वो हमें दे दी है 12 सेंटीमीटर, राइट। अब आप खुद समझिए, तो इसमें क्या हुआ है डियर कि जितना भी इस बकेट के अंदर आइसक्रीम है दैट इज इक्वल टू, एक कोन के वॉल्यूम के तो नहीं ना, इस बकेट से इतने फुल ऑफ आइसक्रीम बकेट से आप एक कोन थोड़ा ना फिल कर पा रहे हैं, कुछ कोन्स फिल कर पा रहे हैं, बट कितने नंबर ऑफ कोन्स वही हमें फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या बनी, वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल बकेट, राइट, जितना भी इसके अंदर टोटल आइसक्रीम है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन इंटू नंबर ऑफ कोन्स, यानी सारे कोन्स में जितनी भी आपने आइसक्रीम भरी है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल बकेट, राइट। जितनी भी इसके अंदर आइसक्रीम है वो सारी की सारी इन सभी कोन्स में आपने फिल कर दी, तो एक कोन का वॉल्यूम इंटू जितने भी नंबर ऑफ कोन्स आपके बने होंगे वही हमें नहीं पता। तो अगर आपको नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला बन गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। तो नंबर ऑफ कोन्स निकालने के लिए आपके पास यहां से हमने डिराइव कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे डियर, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ये रही आपके पास शेप ऑफ कोन। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक तो कोन है और एक आपके पास हेमिस्फीयर है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr³, इसके लिए हमने स्मॉल r ले लिया, प्लस जो हेमिस्फेरिकल शेप है उसमें भी आपकी आइसक्रीम आएगी, इसको हमने ले लिया स्मॉल 2/3 πr³। अब देखिए ऊपर से भी पाई कॉमन है और नीचे से भी पाई कॉमन है, तो पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर एच अपॉन में, यहां पर क्या रह जाएगा आपके पास 1/3 r² है आपके पास, तो यहां रह जाएगा आर स्क्वायर एच और यहां पर आपके पास रह जाएगा 2/3 r³। आप चाहे तो यहां से कॉमन भी ले सकते हैं अगर आप कॉमन लेना चाहें, नहीं तो आप इसे एज इट इज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा इसमें, तो चलिए अब आपके पास आर स्क्वायर मतलब सिलेंडर की जो रेडियस है, सिलेंडर की रेडियस है डियर हमारे पास 6 और सिलेंडर की जो हाइट है वो हम यहां से भी देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर है। नाउ इट्स 1/3, अगर आप चाहें तो कॉमन ले लेंगे बढ़िया हो जाएगा 1/3, या फिर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितनी है आपके पास 3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इंटू में हाइट है आपके पास कोन की 12, फिर आ जाएगा 2/3 r³, यानी आपके पास हेमिस्फेयर की जो रेडियस है दैट इज 3³, तो ये आपके पास आ गया 3³, दिस इज 36 × 15, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम 3 से, तो ये आ गया आपके पास 36 और एक 3 से यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 3² तो ये आपके पास बच जाएगा 18। डियर प्लीज ये गलती मत करिएगा कि 36 को 36 से काट दें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है डियर, ऐसे नहीं होता, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस है, 36 × 15 है, पहले आपको 36 + 18 करना पड़ेगा, फिर ही आप इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहां पर हमने इसको कैंसिल आउट करना है, राइट।
ना। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए या कट करना है तो कट कर लीजिए, 540/54, ये आपके पास आ जाएगा 10 कोन्स। तो इसका मतलब इस पूरी आइसक्रीम बकेट से आप कितनी नंबर ऑफ कोन्स जो है वो फिल कर सकते हैं, 10 नंबर ऑफ कोन्स जो है वो आप फिल कर सकते हैं पूरे, राइट। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोगों ने देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं डियर। इसमें क्या कहता है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायामीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड। ये आपको डायमेंशन दे रखी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कॉइन बनाना है। तो कॉइन किस शेप में होता है डियर? कॉइन सिलेंड्रिकल शेप में होता है, राइट। थोड़ा सा थिकनेस कम होती है, बस होता वो सिलेंड्रिकल शेप में ही है। तो यहां पर मान लीजिए आपके पास कॉइन्स दे रखा है, हम थोड़ा कॉइन को ब्रॉड बना रहे हैं ताकि उसकी शेप को समझ सकें। तो ये आपके पास है कॉइन, और यहां पर वो कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है उसको हम पिघला रहे हैं, और उससे जो मेटल निकल रहा है उससे हम जो है ये कॉइन्स बना रहे हैं, राइट। तो इसकी आपको डायमेंशंस गिवन है, लेंथ हमारे पास है 5.5, ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। तो ज्यादातर डायमेंशन सेंटीमीटर में है, सिर्फ कॉइन जो है, कॉइन की जो रेडियस है वो तो ठीक है 1.7, डायमीटर दे रखी है 1.75, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 2, और हाइट जो है वो 2 मिलीमीटर दे रखी है डियर, और 1 सेंटीमीटर में आपके पास 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर आपको इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो आपको इसको 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके आप कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बना सकते हैं। तो देखिए, हमें नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बने होंगे, लेकिन इतना कंफर्म है कि वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबॉइड इक्वल टू एक कॉइन का वॉल्यूम इनटू में नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी इन टोटल कॉइन्स का जो वॉल्यूम होगा दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी जितना भी इस क्यूबॉइड के अंदर मेटल थी उससे ये टोटल कॉइन्स बने होंगे। और अगर आपको अब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है यानी एन, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया डियर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी 5.5 इनटू 10 इनटू 3.5, राइट। एंड अगर हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें, बिकॉज कॉइन एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, तो वो होता है पाई। पाई की वैल्यू अगर आपको मेंशन है तो ठीक है, नहीं तो हमने क्या लेना है, 22/7। नाउ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1.75 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.75 डिवाइड बाय 2 इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारे पास, 2/10। अब आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इसको, तभी बात बनेगी। तो एक तो ये 2 से 2 आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो आप इसको देखिए, जो नीचे वाली चीजें इनको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। ये आपके पास हो गया 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, नीचे वाली चीजें आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये आ गया 22, 1.75 इंटू 1.75, ये 10 और ये 2 और ये 7 जो है आपका क्या हो जाएगा डियर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 आ गया। अब इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इजिली इससे कट जाएगा, 5 आ गया आपके पास, राइट। इसी तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 10 से 10 आप कट कर देंगे और आप अपना आंसर निकालेंगे। आई थिंक सो कैलकुलेशन पार्ट अब आप लोग खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 3.5 इनटू 10, और कभी भी अगर आपकी जो चीजें हैं उनको ध्यान दीजिए कि कुछ गड़बड़ ना हो, कोई चीज लेफ्ट ना रह जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 × 10 × 3.5 × 7, और उसको आपने डिवाइड करना है 1.75 और 1.75। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं डेसिमल वगैरह हटाकर, तो ये आ जाएगा डियर आपके पास 400 कॉइन्स। तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में यही बताना था कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनेंगे। तो आपके पास 400 कॉइन्स जो है वो इस मेटल को, आपके पास जो क्यूबॉइड है उसको पिघला कर आप बना सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए डियर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद अ सैंड। तो आपके पास एक बकेट है, ठीक है जी, सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास एक बकेट है, एंड दैट इज फुल ऑफ सैंड। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि उसमें पूरी की पूरी जो है वो सैंड फिल है। 32 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और रेडियस हमें दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो रेडियस है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी अगर हम इसकी बात करें, इसकी डायमेंशन है 18 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो आपके पास है 32 सेंटीमीटर।
कहता है दिस बकेट इज एम्पिटेड ऑन अ ग्राउंड एंड अ कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म. आपने ये पूरी की पूरी जो बकेट थी वो आपने उल्टी कर दी और आपने जब उसको बाहर निकाला तो एक ढेर बनकर तैयार हो गया रेत का, सैंड का आपके पास एक ढेर बनकर तैयार हो गया. उसी की बात आपको कह रहा है, कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप. अब जो आपके पास ये कोन है इसकी हाइट आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो एक काम करते हैं सिलेंडर वाले के लिए कैपिटल आर और कैपिटल एच ले लेते हैं और इसके लिए हम स्मॉल एच ले लेंगे. तो जो कोनिकल हीप है उसकी हाइट दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर. आपसे कहता है इस कोनिकल हीप की रेडियस भी निकालिए और इसकी स्लांट हाइट भी निकालिए. राइट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आपने जितना इसके अंदर सैंड था, जितना ही सैंड सिलेंड्रिकल बकेट के अंदर था बिल्कुल उतना ही आपने इसमें कन्वर्ट करा, यानी हीप का वॉल्यूम भी उतना ही होगा. तो इक्वेशन क्या बनती है आपके पास, इक्वेशन बनती है वॉल्यूम ऑफ हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल बकेट. राइट, एंड प्लीज राइट फुल स्टेटमेंट. हम बार बार आपको बोल रहे हैं इसके अंदर कि आपने फुल स्टेटमेंट लिखनी है, आप इस तरीके से शॉर्टकट नहीं करेंगे. हमारा काम आपको समझाना है और आपका टाइम बचाना है, इसलिए हम ज्यादा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं मेंशन कर रहे. राइट, अब हीप का शेप क्या है आपके पास, कोन, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 1/3 πr²h. राइट, इक्वल टू अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h. नाउ पाई से पाई यहां पर कैंसिल आउट हो गया, 1/3. रेडियस आपको नहीं गिवन, हाइट आपको गिवन है, तो आर स्क्वायर को हमने एज इट इज रखा. आपके पास हाइट कितनी है इसकी 24, इक्वल टू रेडियस ऑफ, ये तो गिवन है ना, मैं सिलेंड्रिकल शेप की रेडियस 18 स्क्वायर हो जाएगा और हाइट कितनी है आपके पास 32. अब हमें क्या निकालना है डियर, आर स्क्वायर निकालना है, तो आर स्क्वायर को यही रखा, दिस इज 18 into 32. ये चीजें वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 1/3 है ये 3/1 हो जाएगा और जो 24 है ये आपके पास डिवाइड में आ जाएगा. राइट, तो ये इसे कट कर देते, ये आपके पास कट गया, ये आपके पास 4 आ गया. राइट, तो आर अगर आप इस पे स्क्वायर रूट लगाएं तो ये आ गया 18 into 18 into 4. राइट, अगर आप डायरेक्टली यहीं से निकालें, प्राइम फैक्टर ना करें, तो भी आपके पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है, 2 18 के बदले में क्या होगा, एक बाहर आ जाएगा और 4 के बदले में क्या आ जाएगा आपके पास 2. तो आपके पास रेडियस जो है वो डायरेक्टली कितनी आ गई, 36 सेंटीमीटर. तो पहला काम हमारा हो गया, हमें इसकी रेडियस निकालनी थी. देन उसने हमसे कहा था कि कोन की स्लांट हाइट भी निकालिए, तो आपको पता है देखिए ये वर्टिकल हाइट होती है ये रेडियस, और ये वाला जो पोर्शन है डियर स्लांट हाइट है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होता है और उसके बीच में एक रिलेशनशिप होता है कि जो एल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के. तो देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये आपका एल, ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लग गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. नाउ एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. नाउ अगर हम रेडियस की बात करें तो अभी भी हमारे पास आया 36 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1296, और अगर आप हाइट आपको दे रखी थी 24 उसका स्क्वायर करेंगे तो 576. अब आप इसे प्लस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डियर 1872. अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं डियर, इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं या लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं. तो प्राइम फैक्टर कर लीजिए, दो दो पेयर के बदले में जो बाहर निकलता है वो निकाल दीजिए. तो अगर आप इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो बनेगा 2 into 2 into 3 into 3 into 13, 2 into 2. तो दो के बदले में एक बार 2 बाहर निकल गया, इन दो के बदले में भी एक बार 2 बाहर निकल गया. राइट, और इस 3 के बदले में भी एक बार 3 बाहर निकल गया और रूट के अंदर आपके पास रह गया 13. तो आपके पास आंसर आ जाएगा डियर 12√13 cm. तो ये आपके पास स्लांट हाइट हो गई. आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से निकालेंगे तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं जैसा कि पीछे आपको आंसर दिया गया है. ठीक है जी, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर रहा हो. तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. वॉटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ दिस. देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन है आपके पास रिवर वाले और उसमें स्पीड मेंशन हो तो ये कुछ और नहीं गिवन होता, बेसिकली लेंथ गिवन होती है उस पर्टिकुलर जो भी आपके पास वॉटर बॉडी है. राइट, तो यहाँ पर जो भी कैनल है जो भी चीज है डियर, थोड़ी बहुत हमारी जो प्रोनंसिएशन है उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो हमारा मेन फोकस आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैथ सिखाना है. तो अगर कुछ इस तरीके की प्रोनंसिएशन में दिक्कत हो तो प्लीज इग्नोर करिएगा. और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, वॉटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप.
राइट, तो उसने आपको विड्थ भी बता दी, डेप्थ भी बता दी और लेंथ भी बता दी. ऐसा किस शेप में होता है डियर? ऐसा क्यूबॉइड शेप में होता है. तो जो भी ये कैनल है आपके पास, इसकी आपको विड्थ मतलब ब्रेथ दे दी गई 6 मीटर, डेप्थ मतलब हाइट दे दी गई 1.5 मीटर, और इनडायरेक्टली आपको बोला गया कि जो इसकी स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटे में आपके पास ये 10 किलोमीटर कैनल जो है वो कवर कर लेता है डिस्टेंस. तो ये कवर कर लेता है, तो बेसिकली इसकी क्या दे रखी है आपको, लंबाई दे रखी है कि ये कैनल कितना लंबा है. तो आपके पास इसकी लंबाई आ गई 10 किलोमीटर, राइट. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. अब ये समझिए कि ये कैनल है या एक वाटर बॉडी है, कुछ भी है, एक टैंक है, आप इसमें से पानी एक खेत में भर रहे हैं, ठीक है. ये आपके पास एक जमीन है, अब उस जमीन पर पानी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. जब वो पानी इकट्ठा होगा तो जमीन में कितना एरिया उसने इरिगेट करा है ये आपसे पूछा जा रहा है. तो अब वो बोल रहा है कि पानी की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है. अब आप बताओ कि उसने कितना एरिया जो है वो जमीन का इरिगेट कर दिया होगा. पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि जो कैनल है उसमें से 30 मिनट में कितना पानी बाहर निकला होगा, क्योंकि जितना पानी कैनल से 30 मिनट में बाहर निकला होगा उतना ही जमीन पर इकट्ठा हुआ होगा, राइट. तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि इस कैनल से 1 आवर में कितना वॉल्यूम बाहर निकला है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कैनल हम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ कैनल दैट इज ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड शेप हमें लग रहा है. तो लेंथ आपके पास किलोमीटर में है, बाकी सब कुछ इसमें मीटर में है, तो हम एक काम करते हैं इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. और जब हम के हटाते हैं तो क्या बन जाता है डियर, 1000 आ जाता है उसकी जगह पर, तो ये 1000 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आपके पास आ गया 10,000 लेंथ आ गई, विड्थ आपके पास है 6 और हाइट जो है वो आपके पास है 1.5. इसका डेसिमल हटा देते हैं नीचे 10 और ये इसको कट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 90,000 मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम इन 1 आवर. अब हमें ये कैसे पता चला कि ये घंटे का है, जो आपकी लेंथ थी डियर उसमें बहुत क्लियरली मेंशन था कि जो कैनल है एक घंटे में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, और क्योंकि हमने इसी चीज को अपने वॉल्यूम में इस्तेमाल करा है तो जो वॉल्यूम हमारे पास आया है ये 1 आवर का वॉल्यूम आया है. यानी अगर एक घंटे में कैनल जो है वॉटर फ्लो करता है, उसमें से जो वॉटर फ्लो होता है वो 90,000 मीटर क्यूब पानी बाहर निकल जाता है. तो एक घंटे मतलब 60 मिनट होते हैं, यानी एक ही बात हो गई, एक घंटा या 60 मिनट एक ही बात हो गई. तो अगर 60 मिनट में इतना वॉल्यूम फिल होता है तो एक मिनट में कैनल से कितना पानी बाहर निकला होगा, दैट इज 90,000 डिवाइडेड बाय 60. और अगर इसी तरीके से हमें 30 मिनट का निकालना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, 90,000 डिवाइड बाय 60 इनटू 30. आप सीधा सीधा हाफ भी कर सकते थे, 90,000 अगर पूरे घंटे में आपका पानी बाहर निकलता है तो हाफ आवर में कितना निकलेगा, बिकॉज 30 मिनट इज हाफ, राइट. तो ये आ जाएगा डियर आपके पास 45,000 मीटर क्यूब, यानी आपके पास इस कैनल से आधे घंटे में 45,000 मीटर क्यूब, यानी 45,000 मीटर क्यूब पानी इस जमीन पर, इस खेत पर इकट्ठा हो गया. अब जो खेत का वॉल्यूम है उसका लेंथ ब्रेथ तो होगा ही होगा, और जब पानी खड़ा हो जाएगा तो उसकी हाइट भी हो जाएगी. तो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ब्रेथ हाइट, लेकिन इस बार ये लेंथ ब्रेथ हाइट है आपके पास उस जमीन की जहां ये पानी गिरा है, जिसमें हमें उस जमीन का एरिया निकालना है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ निकालना है, और जबकि हमें हाइट दे रखी है कि वहां पानी जो था वो कितना एक्यूमुलेट हुआ था, राइट. तो हमें सिर्फ एरिया निकालना है, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ हमें निकालना है, और हाइट हमें दे रखी थी 8 सेंटीमीटर. रिमेंबर दिस थिंग कि सारी चीजें मीटर में हैं और ये सेंटीमीटर में दे रहा है, तो उसे हम 8/100 लिखेंगे ताकि ये भी मीटर में कन्वर्ट हो जाए. नाउ 45,000 मीटर क्यूब आपके पास यहाँ आ गया. अब आपने क्या निकालना है डियर, लेंथ इनटू ब्रेथ निकालना है. तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 45,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 8. तो आपके पास एरिया निकल कर आ जाएगा कि उसने कितना एरिया जो है आधे घंटे के अंदर कैनल ने जो है आपके पास इरीगेट किया है. तो डियर ये हमारे पास आ रहा है 562500 मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है तो एरिया किसमें आता है, मीटर स्क्वायर में. तो ये रहा हमारा आंसर कि आधे घंटे में उसने कितना एरिया इरिगेट कर दिया होगा, राइट. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास. दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, 8 और 9 दोनों ही बहुत अच्छे हैं. एक बार में शायद समझ में ना भी आए, हो सकता है डियर, तो आप इसे प्लीज दोबारा से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
और उसके बाद उसको ध्यान से देखेंगे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखेंगे तो शायद जो है आपको बेटर रिजल्ट मिले। पर हाँ ये बात पक्की है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो एक दो बार जरूर चेक करने पड़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ फार्मर कनेक्ट अ पाइप ऑफ इंटरनल डायामीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायामीटर एंड 2 मीटर डीप। इफ अ वाटर फ्लोस थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ दिस हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बी अ फिल्ड। तो देखिए डियर, मैंने इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन करा है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक टैंक है, सिलेंड्रिकल शेप का टैंक है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है हमारे पास, और एक कैनल से एक पाइप जोड़ दिया, पाइप से आपके पास यहाँ पानी गिर रहा है और जो ये पाइप है ये भी आपके पास सिलेंड्रिकल शेप का है, राइट। ये पानी आपके पास इस टैंक में फिल हो रहा है, ये टैंक है आपके पास और टैंक आपको दे रखा है कि उसका 10 मीटर डायामीटर है, तो जो उसकी रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर और जो उसकी हाइट है वो है आपके पास 2 मीटर, राइट। और जो आपके पास ये पाइप है उसका आपको बता रखा है इंटरनल डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, तो इसे आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो जो पाइप है इसकी रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं तो वो आपके पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा उसको, राइट। और आपको इनडायरेक्टली देखिए आगे दे रखा है, इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, यानी जो पाइप है उसमें से पानी जो है वो एक घंटे में 3 किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। जो आपको ये स्पीड दे रखी होती है ये उस पर्टिकुलर चीज की लेंथ ही दे रखी होती है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया, तो उसने बोला इस पाइप की अगर हम बात करें तो एक घंटे में 3 किलोमीटर पानी जो है वो फ्लो कर जाता है इस पाइप में, फिर नीचे गिर जाता है। तो एक तरीके से उसने आपको पाइप की लेंथ दे दी। अब पाइप में यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप है तो लेंथ की बजाय हाइट बुलाएंगे इसको 3 किलोमीटर। अब क्योंकि सारी चीजें हमने मीटर में कन्वर्ट कर रखी हैं तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3000 मीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो ये पाइप है ये इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देगा। हमें क्या करना पड़ेगा डियर, हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि इस टैंक में कितना पानी आता है, यानी इस टैंक का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और ये निकालना पड़ेगा कि एक घंटे में ये पाइप पानी कितना निकालता है, तभी हमें पता चलेगा कि पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू हमारे को ऐसा कोई डिफरेंट नहीं दे रखी, तो 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है हमारे पास यहाँ पर 2, तो इट्स 22/7 इंटू 25 इंटू 2, राइट। हम ज्यादा मल्टीप्लाई में बिलीव नहीं करते ना डिवाइड में, तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं बिकॉज किसी ने हमें ये नहीं कहा कि आप टैंक का वॉल्यूम निकालिए। तो मान लीजिए हमने ये टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आ गया मीटर क्यूब, ये टैंक का वॉल्यूम आ गया, राइट। अब हम निकाल रहे हैं कि जो पाइप है वो एक घंटे में कितना पानी बाहर निकालता है, यानी पाइप का वॉल्यूम, और वो ऑटोमेटिकली 1 आवर में आएगा। क्यों? बिकॉज जो उसकी हाइट है वो 1 आवर की है, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो ऑटोमेटिकली 1 आवर का आएगा। तो अब हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप, दैट इज आल्सो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 आर, आर कितनी है 10/100, इसको हम 1/10 कह सकते हैं, तो 1/10 का स्क्वायर, तो 1/10 इंटू 1/10, राइट। इंटू में हाइट की अगर हम बात करें तो 3000, तो ये तो जी इसी से कैंसिल आउट हो गया। तो ये जो वॉल्यूम है डियर आपके पास, इतना अगर हम इसको छोड़ दें तो ये वॉल्यूम आ रहा है पाइप का, और ये जो वॉल्यूम है ये पाइप एक घंटे में फिल कर देता है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, जो चीज निकालनी है वो राइट साइड पे रखना। तो आप लिखोगे इफ 27/30, आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। इफ दिस मीटर वॉटर फ्लोज फ्रॉम पाइप कितने टाइम में, 1 आवर में। अगर एक घंटे में इतना पानी पाइप से बाहर निकल जाता है, यानी इतना पानी निकालने के लिए पाइप को एक घंटा लगता है, तो 1 मीटर क्यूब पानी बाहर निकालने में पाइप को कितना टाइम लगेगा, 1/(this thing) 22/7 × 30, राइट। और हमें क्या जानना था, हमें यह जानना था कि पूरे टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर 1 मीटर क्यूब पानी भरने में इतना टाइम लगेगा, तो ये जो आपके पास टैंक का वॉल्यूम है 22/7 × 50, इसको फिल करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये वाली चीज जो है यहां पर, इसका तो रेसिप्रोकल हो गया डियर, राइट। ये आपके पास बस यही वाली चीज मैंने लिखी है, इनटू में ये चीज आ गई आपके पास 22/7 × 50। तो आप देखिए ये वाली चीज इससे ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गई आपके पास।
तो देखिए डियर, आपके पास जो बच रहा है वो बच रहा है 5/30, बेसिकली 5/3। अगर आप इसे डेसिमल में लिखेंगे तो 1.6 बनेगा। तो एक काम करते हैं, अभी ये आर्स में आ रही है आपके पास इन्फॉर्मेशन, और पॉइंट में आर्स थोड़े से अजीब से हो जाएंगे, 1.67। तो हमने इसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ ये आपके पास आ जाएगा 100 मिनट। इसका मतलब 100 मिनट के अंदर जो ये टैंक है ये पूरा फिल कर दिया जाएगा पाइप के द्वारा, राइट। तो बेसिकली हमने क्या किया, टैंक का वॉल्यूम निकाल लिया पहले, फिर पाइप का वॉल्यूम निकाल लिया। ऑब्वियसली पाइप से कम पानी निकल रहा है, टैंक बड़ा है, तो ये वाला जो वॉल्यूम आया है ये 1 घंटे में जितना पाइप से पानी बाहर निकलता है वो। तो अगर इतना पानी बाहर निकलने में 1 घंटा लगता है तो 1 m³ पानी के लिए कितना टाइम लगेगा, इतना। तो ये वाला वॉल्यूम फिल करने में कितना टाइम लगेगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया यूनिटरी मेथड से, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।